ये हीट साइन है, ये नीचे चिपकाओ, ये देखे टूट नहीं रहा। सभी दोस्तों को राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल के माध्यम से सभी पशुपालक भाइयों के साथ डेयरी फार्म से जुड़ी एक और जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो जी, आज की वीडियो में मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ जिस पर मैं बहुत ही बार S34 का सीमन यूज कर चुका हूँ, और सीमन यूज करने के बाद जब इसने कंस्यूम किया था तो एक बार इसका एबोशन भी हो गया था, डेढ़ पता नहीं 2-2.5 ऐसे कुछ ऐसे ही महीने का, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। लेकिन अब फिर ये प्रेग्नेंट है और तकरीबन जो है ये 30 तारीख से दूसरे महीने में इसने एंट्री कर चुकी है, यानी कि एक महीना, और आज हो चुकी है जी 10 तारीख, तो एक महीना और 10 दिन की आज ये हो चुकी है, 40 दिन की आज ये हो चुकी है। तो आज इसने एक तरल पदार्थ दिखाया है, जैसा कि जिन भी पशुपालक भाइयों को संशय रहता है कि भाई हमारी गाय भैंस ने इस तरह का डिस्चार्ज दिखाया है तो वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। देखो आगे, क्योंकि पिछली बार भी ये छन गई थी, इसने अबॉर्शन कर दिया था, बच्चा अबॉर्ट हो गया था इसका, तो अब की बार ऐसा जो है नहीं हो, यही मैं कामना करता हूँ। और जो अब की बार इसने डिस्चार्ज दिखाया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, क्योंकि जो ये डिस्चार्ज होता है इस टाइप का, ये देखिए जो गैबिन का डिस्चार्ज होता है ये अभी तक चिपका हुआ है, गाढ़ा है और टूटेगा नहीं, ना ही ये फैल रहा है। ये देखिए, एक पकड़ इसने अपनी बनाई हुई है, चुइंगम टाइप, ये देख सकते हैं बिल्कुल बारीकी से आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए जी। क्योंकि अगर ये कंस्यूम नहीं होती तो ये पानी अब तक जमीन पे चारों तरफ फैल चुका होता, जो एक हीट साइन का बड़ा अच्छा जो है कि, तो ये देख सकते हैं आप, मैं अच्छे तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये हीट साइन है, ये नीचे चिपका, ये देखिए टूट नहीं रहा इतना दूर खींचने पर भी, तो ये लक्षण है जी। बिल्कुल आपको थोड़ा थोड़ा सा इसमें जो है ब्लू कलर आपको हल्का हल्का महसूस होगा, कांच की तरह, तो ये गैबिन के लक्षण हैं। तो अब की बार ये S34 से कंस्यूम हुई। एक चीज़ और मैं बता दूँ कि जो भाई जो निरंतर ये कहते रहते थे कि आप इसको डायरेक्ट क्रॉस करवाओ, तो जी क्योंकि मेहनत का फल जो है फार्मर को ज़रूर मिलता है, 40 दिन की हो चुकी है, आगे इसके साथ कोई जो है कि अप्रिय घटना ना हो अबॉर्ट वगैरह की, तो बच्चा हमें अच्छा मिला S34 का। और ये इसकी माँ है जी, ये भी S34 से कंस्यूम है, ये तकरीबन एक महीने 2 महीने से 5-6 दिन जो है कम है, ये भी कंस्यूम है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और कोई प्रॉब्लम इनके साथ ना हो, और एक बछड़ी जो है इनमें से मैं रखूँगा, अगर जो मान के चलो दोनों ने फीमेल काफ मेरे को दिया तो एक मेरे को इनमें से सेल करनी है, एक रखनी है, दोनों अच्छी बेहतरीन ब्लड लाइन है। और जो भाई ये कहते हैं कि भाई अच्छी गाय लेके आओ उसको सीमन यूज करो जी, अपना मानना है कि अपने घर से ब्रीड तैयार करो, उससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि डेढ़ दो साल हमें भी इस फील्ड में लगे हुए हो गया है, आपके साथ जुड़े हुए हो गया, पहले भी एक्टिव थे लेकिन आपके साथ नहीं जुड़े थे, अब एक्टिव भी हैं और आपके साथ जुड़े हुए भी, और आपको यही जानकारी देना चाहते हैं जी इसको, क्योंकि ये बार बार रिपीट भी पहले हुई, फिर इसने कंस्यूम किया, तो इसको जिस तरीके से इसने कंस्यूम किया वीडियो भी मैं आपके साथ डाल चुका हूँ। और जिस भाई की कंस्यूम नहीं करती आप हमारा रीपावर खिला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आते हैं कि आपके गाँव की गाय ने कंस्यूम कर लिया, आपकी भैंस ने कंस्यूम कर लिया, तो जी उनको मैं बता दूँ ये सब रीपावर का कमाल है। तो आप इसको अगर लेना चाहते हैं तो ऑर्डर कर सकते हैं, हमने घर पर इसको अपने तरीके से तैयार किया ताकि भाई पशु में जो है अबॉर्ट की समस्या ना आए, फिर भी किसी कारणवश आ जाती है 1%, हम मान के चले जैसे कि पशु गिर गया या जी जो है किसी दूसरे पशु ने टक्कर मार दी, तो वो उस कारण से समस्या आ सकती है, नहीं तो हमारा रीपावर खिलाई कंस्यूम नहीं करती, 100% कंस्यूम करती है जी, बार बार रिपीट नहीं होती, सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलती है। और जिन भाइयों के पास मैंने भेजा भी उनने भी कंस्यूम किया, आउट ऑफ स्टेट गया है, महाराष्ट्र तक गया है, उत्तर प्रदेश तक गया, राजस्थान तक गया है, तो जी S34 का इनसे मैं उम्मीद करूँगा कि दोनों मेरे को फीमेल काफ दें ताकि भविष्य में हम उनको जो तैयार कर सके। क्योंकि कुछ भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आए हुए हैं, कॉलिंग भी आई हुई थी, पंजाब से थे एक कद भाई, हरियाणा से एक कद भाई, यूपी से, जो S34 की बछड़ियों ने पहले पहले ब्यात में 16+ दूध दिया है जी,
और ये बछड़ी से मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये दूध में अपनी माँ से भी बेटर निकलेगी और मेरे को 100% फीमेल काफ देगी। और जो इसके बॉडी पैटर्न की बात करूँ तो ये 70-80% जो कि उसमें साहिवाल में है, साहिवाल करोस है ये, इसी से मैंने निकाली हुई है, इसकी माँ देख सकते हैं। और ये साहिवाल बुल है गाँव में, वो भी अगर हो सका तो इसी वीडियो में ऐड करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो कोई फिर वीडियो में मैं आपको इसका फादर साइड भी दिखाऊंगा कितना बेहतरीन बुल है। और जो ये मेरे को जो बछड़ी देगी, उम्मीद है 100% प्योर साहिवाल काफ जो है मेरे को देगी। तो जो मैंने आप जो आपको वीडियो में दिखाया था जी, ये है वो जो सिम्टम्स, जो कंसीव के सिम्टम्स होते हैं, जहाँ पर पशुपालन पिछड़ा हुआ है वहाँ पर ये भाई निरंतर हमसे पूछते रहते हैं कि जी हमारी ने कंसीव नहीं किया, हमारी ने ऐसा डिस्चार्ज डाला तो हम क्या अंदाजा लगाएं। तो ये साइन होते हैं जी कंसीव के। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ इस वीडियो से अच्छी जानकारी मिली होगी तो जी, और अच्छी जानकारी मिलने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपको जो है आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से किसी और पशुपालक भाई की भी हेल्प हो सके। तो ये मैं बार बार देखा, ये देखिए आप कितनी देर से, अगर डिस्चार्ज, अगर नॉर्मल हीट का डिस्चार्ज होता है तो वो टूट जाता है, टपक जाता है, लेकिन ये चिपका हुआ है। और बहुत जल्द आपको इनके जो है, अगर पीडी भी मैं आपको दिखाऊंगा, 3 महीने की पीडी कराऊंगा, उसमें डायरेक्ट कन्फर्म हो जाएगा हार्ट डालने के बाद कि भाई ये तो 100% कंसीव है। ये तो एक अंदाजा लगाया जाता है भाई, फार्मर अंदाजा लगा सकता है इस डिस्चार्ज को देखकर कि हमारी कंसीव है। वैसे तो ये अब भी कंफर्म है, लेकिन हार्ट डलने के बाद और अच्छे तरीके से कंफर्म हो जाएगी। 2 महीने की ये होने वाली है 5-7 दिन में, और 40 दिन की ये हो चुकी है। तो बहुत जल्द फीमेल काफ है, ऊपर वाले से मैं दुआ करूंगा कि हमारे पास भी S34 का आए। और एक सेल के लिए होगा, जो भाई लेना चाहता है अभी से मैं उनको बता रहा हूँ, जो लेना चाहता है उनको फीमेल काफ जो है S34 का गाय के साथ में दे भी दिया जाएगा। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको डेयरी फार्म से जुड़ी जानकारियां मिलती रहें। और जो कि कमेंट में आप अपना सजेशन भी छोड़ सकते हैं जी, कैसी लगी आपको वीडियो, और जहां पर डॉक्टरों का अभाव है, फार्मर ज़्यादा बेचारे एक्टिव नहीं है, तो हमारा मोटिव रहता है कि उनको इस तरीके की चीज़ें बताई जाएँ कि भाई इस प्रकार से भैंस अगर सिम्टम्स दिखा रही है तो वो कंसीव कर लेती है। तो जी वीडियो देखने के लिए सभी फार्मर्स भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।